हम हमारे फेस को फेयर एंड प्रॉब्लम फ्री बनाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स ट्राई करते हैं, लेकिन क्या हम अपने पैर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं? हम ना जाने फेस के लिए क्या क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई करते हैं स्वस्थ निखरी त्वचा के लिए, लेकिन हम सोचते हैं पैर तो जूतों में ही छुपे रहते हैं एंड लोग इतना ध्यान भी नहीं देते होंगे। लेकिन दोस्तों ये गलत है, हमारे पैरों पर भी लोगों की नजर जाती है। ये माना गया है कि जब हम किसी से पहली दफा मिलते हैं तो सबसे पहले उनकी नजर हमारे पैरों पर ही जाती है। तो सोचिए, अगर हमने पैर पूरी तरह छुपाने वाली शूज या सैंडल्स नहीं पहनी है तो देखने वाले पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? पैर हमारा वो अंग है जो जमीन से सबसे करीब है, तो सोचिए इससे कितने कीटाणुओं का सामना करना होता है। नए जूतों के शूज बाइट की वजह से भी पैर पे चीले आ जाते हैं और सूज जाते हैं और पीछे रह जाते हैं बदसूरत से काले से दाग। किसी किसी का चेहरा बड़ा ही फेयर और ग्लोइंग रहता है पर पैर काले और ड्राई रहते हैं। इनके कई वजह भी है लेकिन इसका हल भी है। तो चलो आज का हमारा ये वीडियो इसी समस्या का हल लेके आया है। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखते हैं पहला उपचार जिससे आपके पैर गोरे हो जाएंगे। ये वो भी कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहता। आलू के छिलके को निकाल के पीस दे और उसका पेस्ट को 15 मिनट तक अपने पैरों पे लगा के मसाज करें और फिर हल्के गर्म पानी से पैरों को धो देना है। एक हफ्ते इसे लगातार करने से आपके पैरों में आपको काफी फर्क दिखना शुरू हो जाएगा और आपके पैर गोरे लगने लगेंगे। दूसरा नुस्खा है कि आपको आधा टमाटर काट के उसका रस निकाल के अपने पैरों पे मलना है और इसे 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद आप अपने पैरों को गुलाब जल या रोज वाटर से धो लें। इससे भी आपके पैरों में काफी फर्क दिखाई देने लगेगा। जितना ज्यादा और लगातार आप इसे करोगे तो आपको उतनी ही जल्दी फर्क दिखाई देने लगेगा। तीसरा नुस्खा है हल्दी और दूध का पेस्ट। पैरों पर मसाज करने लायक हल्दी और दूध का गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। हल्दी से एक तरह का निखार आएगा और दूध आपके पैरों की क्लींजिंग करती है। ये पेस्ट से पैरों पर मसाज करें 20 मिनट तक और फिर छोड़ दें। फिर हल्के गर्म पानी से धो दें। ये हर रोज जब भी फुर्सत मिले तभी करें। इससे आपको ज्यादा जल्दी फायदा महसूस होगा। चौथा नुस्खा भी बड़ा आसान है। आधे कटे नींबू को लेके आपके पैरों पर रगड़ना है यानी कि स्क्रब करना है। इससे आपकी डेड स्किन निकल जाएगी। फिर नमक मिलाए हुए हल्के गर्म पानी में अपने पैरों को डुबा के रखें जब तक आप चाहे उतना। फिर पैरों को अच्छे टॉवल से पोंछ लेना। ये भी आपको रोज करना है। पांचवा नुस्खा है सेहत की मालिश। हर दिन 10 मिनट तक शुद्ध सेहत से अपने पैरों की मालिश करें और फिर हल्के गर्म पानी से धो देना। ये हर दिन करना है। अगला उपचार है दही। इससे आप अपने पैरों पर 10 मिनट का मसाज रोज करें और फिर हल्के गर्म पानी से धो दें। ये भी रोज करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ज्यादा धूप में ना जाए जिससे आपके पैरों का ग्लो बना रहेगा। सातवां उपचार है पपाया का पेस्ट। इससे आप अपने पैरों पर मसाज करें और ऐसे ही छोड़ दें। फिर सूखने के बाद इसे हल्के गर्म पानी से धो लें। इससे भी आपकी त्वचा पर ग्लो आएगा। आठवां नुस्खा जो है इसे करते समय बड़ा ही ध्यान रखें। संतरे के छिलके को आपको छांव में सुखाना है। ध्यान दे दोस्तों, छांव में धूप में सुखाएंगे तो इसके जरूरी तत्व चले जाएंगे। तो छांव में सुखाए हुए संतरे के सूखे छिलकों को आपको बारीक पाउडर जैसा पीसना है और इस पाउडर को कच्चे दूध में मिला के एक पेस्ट बनाना है। आप ये पाउडर ज्यादा मात्रा में पीस के रख सकते हैं और जरूरत के हिसाब से पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाने में वक्त जरूर लगता है लेकिन इसके फायदे भी बड़े हैं। ये पेस्ट को आप पैरों पर 20 या 25 मिनट तक मसाज करें और फिर हल्के गर्म पानी से धो दें। इससे आपकी स्किन को एक कुदरती गोरापन और निखार मिलेगा। इस क्रिया के बाद आपके पैर थोड़े से नरम से महसूस करेंगे क्योंकि संतरे के छिलके में विटामिन ई और अन्य कई एसिड्स होते हैं जो आपकी त्वचा के लिए बड़े ही लाभदायक होते हैं। अगला नुस्खा है एक पेस्ट जो आपको बनाना है 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शुद्ध सेहत और 1/2 चम्मच दूध पाउडर के साथ। इसे 20 मिनट तक अपने पैरों पर मसाज करना है और फिर हल्के गर्म पानी से धो देना है। ये रोज करने से आपके पैरों पर ग्लो आएगा और पैर गोरे दिखने लगेंगे। तो ये थे आज के कुछ ऐसे नुस्खे जो कोई भी अपने जीवन में प्रयोग करके इसका फायदा ले सकता है। इससे अगर आपको फायदा हुआ है या आपके पास इससे भी ज्यादा फायदा करने वाले कुछ और नुस्खे हैं, तो हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों और धन्यवाद।